अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं TV2। नाज़रीन, बहुत दिनों से हमारे कुछ दोस्त, हमारे चाहने वाले रचनावी टीवी पे आके हमें कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोग इन करेक्टर से, इन अदाकारों से, इन अदाकाराओं से हमारी पर्सनल लाइफ पे बात करवाएं। और आज हम मौजूद हैं रमजी भाई के घर पर। आज इनके घर पे बैठ के इनके पर्सनल लाइफ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं रमजी भाई से, इनसे जानेंगे इनका पर्सनल लाइफ में इनकी क्या मसरूफियात हैं, इनसे जानेंगे इनका रियल नेम क्या है। तो आए मुलाकात करते हैं रमजी भाई से। तो जी रमजी भाई, क्या हाल है आपके? रमजी भाई उधर देखे ना, ठीक है, कैमरा चालू हो गया। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज आप ये अपने चाहने वालों से उर्दू में बात करेंगे, पढ़े लिखे अंदाज में बात करेंगे। आज आप करेक्टर में नहीं है, रमजी नहीं है आप, बल्कि पहले सबसे पहले तो आप अपना नागरिक को अपना नाम बताए ना कि आपका रियल नेम क्या है। मेरा नाम सांवल है जी। जी रमजी जो है वो एक करेक्टर है, एक सीधा साधा सा, भोला भाला सा, वो करेक्टर आपके दिलों में घर कर चुका है, आपके दिलों में बस चुका है। और मैं बेइंतहा शुक्र गुजार हूँ आप लोगों का, जिन लोगों ने मुझे पसंद किया, रमजी को पसंद किया। और अल्लाह पाक का शुक्र गुजार हूँ जिसने इतनी इज्जत दी। जी जी। तो अच्छा रमजी भाई, मुझे आप सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ये अपने कैरियर का आगाज आपने कब से किया? ये तो मैंने पैदा होने के फौरन बाद ही कर दिया था। ये मतलब झूले में ही शुरू हो गए थे आप? जी जी। अच्छा, तकरीबन मैंने एक्टिंग उस वक्त शुरू कर दी थी जब मैं पैदा हुआ, तो मैं रोया नहीं था। अच्छा, तो मेरी वालदा साहिबा और जो दाई होती है, हाँ, उसने कहा कि ये बच्चा मरा हुआ, ये रोया नहीं, हाँ, रो नहीं रहा, तो फेंक देना चाहा घर वालों ने। हाँ, बिल्कुल फेंकने लगे थे। और वो उनका मुकम्मल इरादा बन चुका था, इतने में मैंने वो ना टांग हिलाई, तो वो मेरी एक दादी थी, उसने कहा नहीं नहीं, ये दादी का नाम भी मेंशन कर देते जरा प्लीज, दादी को शायद। अच्छा। हाँ, दादी को शायद जो थी, उन्होंने कहा नहीं ये बच्चा जिंदा है। तो उन्होंने फिर जल्दी से मुझे ना थप्पड़ वगैरह ऐसे ऐसे मारने शुरू कर दिए वो दाई ने। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर के बाद रोया, तो फिर उनके साथ लोगों के चेहरों पर खुशी आई, मैं रोया और लोग मुस्कराए कि जिंदा। ठीक है, तो ये एक्टिंग तो बचपन से ही पैदा होते ही शुरू हो गई अगर देखा जाए तो, ये ना रोने वाली एक्टिंग की। फिर उसके बाद स्कूल में भी यही पंगा करते रहे, और हमारे जो उस्ताद मोहतरम जनाब खिची साहब जो है, उन्होंने मुझे मैट्रिक में जब मैं था तो उन्होंने कहा था बेटा मेरी एक नसीहत है, पढ़ाते पढ़ाते अचानक तो वो फ्रंट लाइन पर मैं बैठा होता था, तो मैं ब्लैक बोर्ड को साफ किया, साफ करके अपनी जगह पर बैठा, फिर अचानक उनके जहन में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा करो एक बात मेरी नसीहत पहले बन, क्या बात कर रहे हैं, कोई खतरा दिल में चला जाता है कि सार क्या कहने वाले, एक बात मेरी जेब में रखो पहले बन, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो तुम ये ड्रामों में काम करना शुरू कर दो, ये पढ़ाई मुकम्मल करके ना ड्रामों में चले जाए। किस तरह की बात है ये? मेरा ख्याल है 1997-98 की बात, उस वक्त मेरी उम्र यानी कि मैं 9th क्लास में था, 9th या 10th नहीं 9th में था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, लेकिन वो मैंने समझा शायद उस्ताद जो है वो तनकीद कर रहे हैं मुझ पर, क्योंकि मैं वो ना जंप लगा लगा कर ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा था, उन्होंने सीरियस ही बात की थी। जब फिर मैं FA किया, FA के बाद मैं बाहर का ड्रामों में आ गया, शौक बढ़ता गया, स्टेट ड्रामा की तरफ चला गया लाहौर, वहाँ फिर सीख के साथ करे मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब साजिद खान साहब हैं, सुहेल अहमद साहब जो है मेरे दादा उस्ताद। अच्छा रमजी भाई, वो स्टेज की दुनिया है, फिर मैंने वो छोड़ दिया स्टेज को। यही मैं इसी बात को आगे लेके चलूंगा कि वहां पे तो आपने चले माशाल्लाह काम किया, काम सीखा, तो फिर ये सोशल मीडिया की तरफ, ये यूट्यूब चैनल की तरफ जब आप लोग आए, तो
ये कैसे है, इधर कैसे आना हुआ? ये मैं छोड़ चुका था काम, शोबिस शोबिस पर छोड़ चुका था, क्योंकि मेरे ना सारे में कोई प्रॉब्लम हुई थी और उसका मैं इलाज कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी बात की आपने कि आपके सर में कोई चोट लगी थी, आप अभी भी डेफिनेटली भी मेडिसिन खा रहे हैं, आप ये आपकी मेडिसिन चल रही है, तो इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे? 10 साल हो गए वो इलाज मेरा जारी है। हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि थोड़ा लाउडली बोले प्लीज। नहीं नहीं मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। ऊंचा, आप ऊंचा चढ़ कर कहीं बोल रहे ना, फिर मुझे छत पर ले जाए। मेरे ख्याल में आपकी ये सोशल मीडिया पे जब आए तो आपकी वायरल भी आप इसी एक वीडियो की तरफ से हुए थे, जिसमें आपने वो शाजी और नाजी का सारा किस्सा सुनाया था। उर्दू बोली, हाँ बिल्कुल उर्दू बोली थी, बात की थी और ऐसी ऐसी बात की थी, पता नहीं कैसे कैसे। उसका प्रोड्यूसर कौन है? उस प्रोड्यूसर साहब हमारे जनाब डायरेक्टर महबूब मलिक साहब है, मेरे उस्ताद है, यानी कैमरे के सामने मुझे ला कर खड़ा करने वाले जो हैं वो महबूब मलिक साहब हैं। ठीक है, और उन्होंने मुझे कैमरे के सामने काम को एक नए सिरे से सिखाया। यानी वो तो आप थे स्टेज पे, लाइव करते थे, लाइव करते थे वो, तो पर्दा स्क्रीन पे आपको लाने वाले, आपको टेलीविजन पे लाने वाले जो हैं वो आप कह रहे हैं कि महबूब मलिक साहब। महबूब मलिक साहब वो मेरे उस्ताद है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि मैं अगले दिन उनको ये कह रहा था कि मैं आपसे इतना कुछ सीख चुका हूँ शायद आपको समझ भी नहीं। यानी उस्ताद को भी समझ नहीं आई, आपको यानी याद नहीं है, अच्छा आपको पता नहीं है, अच्छा मैं आपसे कितना कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन सीखा आपसे ही है, आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं सीख लिया हूँ कुछ, क्योंकि अभी भी वो डांटते भी उसी तरह ही है जैसे पहले भी डांटते। बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था, एक वो रिटेक्स देखी थी, उसमें उन्होंने पीछे से आपकी जो हौसला अफजाई जिस अल्फाज में की थी, हौसला अफजाई बहुत बड़े मतलब जो है ना वो बड़े प्यार वाले अल्फाज थे। कभी कभी तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पब्लिक खड़ी हुई है, इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं कैमरे के देखने वाले, तो कभी कभी वो हौसला अफजाई जब करते हैं तो मुझे अचानक होती है, अचानक होती है, समझ नहीं आती, तो फौरन जो है मैं उनको कभी कभी कहता हूँ, रोजाना नहीं, मिसाल दी आज के बंदे बाहर काफी खड़े थे तो आपने हौसला अफजाई कर दिया। ये भी बड़ी बात है रमजी भाई, वैसे कि आप उनकी डांट सुनते हैं, डांट मतलब ये सब कुछ होने के बाद फौरन फिर करेक्टर में भी आ जाते हैं। मैं एक दो बार मैं आपके शूट पे भी गया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे आप शूट पे मतलब शूट के दौरान वो आपके साथ चूंकि सार है, ये तो आप खुद मेंशन कर रहे हैं कि वो बाप है, औलाद के लिए वालदैन जो है ना वो हमेशा साया होता है और हमेशा औलाद को अपने वालदैन के साय में ही रखे, उस्ताद वालदैन होता है जी, ठीक है, और उनकी डांट जो है वो एज ए खुराक ही होती है, जरूरी डेफिनेटली जरूरी होती है कि वो आपको डांटे, जो उस्ताद नहीं डांटता मेरा ख्याल है बंदा काबिल शगिर्द भी नहीं बन सकता उसका, जो उस्ताद डांटता नहीं शगिर्द को। रमजी भाई आप मुझे ये बताएंगे प्लीज के आपकी पहली वीडियो जब वायरल हुई शाजी नाजी वाली, तो कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा? मतलब आप पहले तो कर रहे थे स्टेज पे काम कर रहे थे, फिर जब पर्दा स्क्रीन पे आप वायरल हुए, लोगों के सामने आप आए, तो क्या फील होता था तब? खुशी फील होती है, एक कोई भी इंसान है उसको एक ख्वाहिश होती है वो फेमस हो जाए जी, आज हर घर में एक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही जिसके पास मोबाइल है वो एक्टर है, ठीक है, और उसकी ख्वाहिश भी यही है कि मैं जल्दी से जल्दी किसी तरह फेमस हो जाऊँ, तो जब फेमस हो जाता है बंदा तो उस वक्त एक खौफ महसूस करना चाहिए मेरे ख्याल में, और वो खौफ है खौफ खुदा बंदी, अल्लाह पाक की जात का खौफ, जिसने इज्जत दी है जी वो जिल्लत भी दे सकते, ठीक है, तो उसके लिए मेरे हिसाब में ये है कि भी जब अल्लाह पाक इज्जत दे उस वक्त अपना साथ जो झुका लेना चाहिए, जब बहुत ज्यादा क्राउड हो इकट्ठे हो लोग आपको चाहने वाले तो उस वक्त शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के सामने डर जाना चाहिए कि ये जो इज्जत करने वाले लोग हैं
ये बेइज्जती करने वाले भी हो सकते हैं। रमजी भाई एक बहुत खूबसूरत सवाल है जो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि ये क्या पर्सनल लाइफ में ये जो सुगरी है ये आपकी वाइफ है? तौबा मेरी याल्ला तौबा। अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि सुगरी मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, अगर बीवी होती तो फिर ये जो ड्रामा है ये हम चलो दिन दिन में ड्रामा करते हैं, शाम को मैं थोड़ा सुकून अपने घर में जाकर सो जाता हूँ, नहीं तो फिर ये 24 घंटे ड्रामा चलता और फिर मैं पागल हो जाता, ठीक नहीं हो सकता। यदि आप अभी जो आपका मेंटली लेवल चल रहा है, हाँ, ये है। कुछ भी नहीं है, ये आपकी नजर में ये ठीक है? ये ठीक है, अभी मैं ठीक जा रहा हूँ। हाँ। तो सुगरी मेरी बीवी होती हाँ। तो खैर इंटरटेनमेंट 24 घंटे के लिए होती। मतलब आपके कहने का मकसद है कि आप ये लोग जो है यूट्यूब पे कम देखते और आपके घर के बाहर जो लाइन लगी होती टिकट टिकट चल रही होती कि मियां बीवी में प्यार चल रहा है, प्यार चल रहा है, तो मोहल्ले वाले तो डेली एंजॉय करते हैं। इतनी लड़ाकी नहीं है जितना वो लगती है ना, और फिर वो मेरे साथ जब वो लड़ रही होती है तो वो इंटरटेनमेंट पब्लिक को बहुत मजा आता है, मेरे साथ जब वो झगड़ा करती है या मैं उसके साथ झगड़ा कर रहा होता हूँ उनके साथ। अपने घर में सबसे बढ़िया माँ बाप फौत हो चुके हैं, तो मैं अपने वालदैन के बाद फिर मैं घर पे पड़े दूसरे बहन भाई के छोटे हैं, लेकिन ये है कि मेरे छोटे बहन भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं और मैं गैर शादीशुदा। अच्छा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं, यानी आप ये जो वाकई मतलब सुगरी की लड़ाई से आप इंस्पायर हैं जो आपने अभी तक शादी नहीं की? ऐसी बात नहीं है, तो शादी मेरी अनकरीब हो जाएगी थोड़े दिनों का, तो ये भी बला सर पर आ जाए। अच्छा, यानी कि मैं जो आजाद नजर आ रहा हूँ आपको ये नहीं करूँगा, मैं भी आप लोगों की तरह हो जाऊंगा फिर आदमी घर पहुँचना होगा। भाभी को तो मतलब इस स्टेज पे आने के लिए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी कि वो ऑलरेडी देख रही होगी कि ये तो मतलब इनपे तो जो है ना जो भी तशद्दुद किया जाए इनको मारा पीटा जाए जो भी किया जाए इसमें इनको जो है ना वो कोई टेंशन नहीं है? वो अभी शादी नहीं भी हुई तो भी थोड़ा थोड़ा पड़ जाती है कभी। अच्छा, अभी भी पड़ जाती है? हो जाती है। अच्छा, चलिए कोशिश करेंगे जी, हम भाभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कभी मतलब आजाद भी घूमने दिया करें, जरूरी नहीं है कि बाहर जो फील्ड में है वो सुगरी इनपे इनके सर पे सवार रहती है और या जब ये बेचारे थके हारे घर आए। और तो नहीं भाभी आपकी मेहरबानी, कोऑपरेटिव रहिएगा। अच्छा रमजी भाई, आप मुझे ये बताएं अपने फैंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो? फैंस जो है को मैं दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो सदा खुश रहे, और फैंस के लिए मैसेज ये है वो मेरे लिए दुआ करते रहे, मैं उनके लिए दुआ वो हूँ और वो मेरे लिए दुआ करते रहें, और ये दुआओं का सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँ तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ का जो सिलसिला है ये बंद नहीं होना चाहिए, दुआ फिर भी मेरे लिए करते रहें। अजी भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बाकी काफी टाइम ले लिया आपने, हमने आपका। हाँ, अभी जाहिर बात है आपके पास आए हैं तो खाने पे भी टाइम लगेगा, बनवाया होगा आपने तो? बनवाया तो नहीं है। हाँ, नहीं जी, खाना बनवाया है रमजी भाई ने हमारे लिए, बाकी टीम मेंबर भी कुछ हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनकी भी आपसे जो है गपशप करवाएंगे, तो देखते रहें TV2। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।